दोस्तों, दीपिका और रणवीर की शादी के फंक्शन से लेकर बेंगलोर रिसेप्शन तक की एक एक तस्वीर ने फैंस को इस कपल का दीवाना बना दिया है। यह दोनों कपल हर रूप में न केवल रॉयल लग रहे थे, बल्कि इनकी ड्रेस ने भी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया है। और दीपिका ने कोंकणी शादी में जरी कांजीवरम साड़ी पहनी थी, तो वही सिंधी शादी में लहंगा, जबकि बेंगलुरु रिसेप्शन में दीपिका ने गोल्डन कांजीवरम सिल्क की साड़ी पहनी थी। खबरों की माने तो दीपिका की इस साड़ी का क्रेज लोगों के बीच बहुत है। यहां तक कि स्टोर से सारी साड़ियां भी बिक चुकी हैं। फैंस में दीपिका इस साड़ी का क्रेज सिर पर चढ़कर बोल रहा है। और ये साड़ी दीपिका की माँ ने ली थी। रिपोर्ट के मुताबिक स्टोर से इस साड़ी के सारे पीस बिक चुके हैं। स्टॉक खत्म होने के बाद भी लोग अपने फोन नंबर देकर गए हैं ताकि साड़ी आ जाए तो उन्हें जानकारी दी जाए। सूत्रों की माने तो दीपिका की सिल्क गोल्डन साड़ी की कीमत करीब 2 से 3 लाख रुपए है। और इस साड़ी के साथ दीपिका ने रॉयल टच देते हुए मोतियों का हार, मांग में सिंदूर और बालों का टाइट बन बनाया है, जबकि रणवीर ब्लैक और गोल्डन कॉम्बिनेशन की शेरवानी पहने हुए थे। दीपिका पादुकोण ने बेंगलोर रिसेप्शन के लुक को लेकर सोशल मीडिया पर काफी सवाल भी उठे हैं। लोगों ने तस्वीरें देखकर कहा कि दीपिका ने अनुष्का को कॉपी किया है। दरअसल अनुष्का शर्मा ने अपनी दिल्ली वाले रिसेप्शन में रेड कलर की साड़ी पहनी थी, साथ ही गले में चोकर के साथ बालों का टाइट बन बनाकर मांग में सिंदूर लगाया था। वही विराट ब्लैक कलर की शेरवानी में नजर आए थे। अब जब दीपिका और रणवीर का रिसेप्शन हुआ तो उनकी तुलना विरुष्का से होने लगी है। फिलहाल बेंगलुरु में रिसेप्शन देने के बाद दीपवीर मुंबई लौट चुके हैं। मुंबई में एयरपोर्ट पर दोनों को एक साथ स्पॉट किया गया। 28 नवंबर को यह दोनों मुंबई के ग्रैंड हयात में दूसरा रिसेप्शन दे रहे हैं, जिसकी तैयारियां जोरों से चल रही है। इस शादी में बॉलीवुड की दिग्गज हस्तियों को नौदत भेजा गया है। कहा जा रहा है कि इस रिसेप्शन में करीब 3 लाख लोग शामिल होंगे।